बंसीवट, इस वृक्ष में आज भी आती है मधुर मुरली की ध्वनि। आप भी दर्शन करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे। मैं निखिल गोस्वामी यूट्यूब चैनल श्री बांके बिहारी जी में आप सभी का स्वागत करता हूं। कल हम आपको भांडीर वन ले गए थे, जहां पर राधा कृष्ण जी की विवाह स्थली है। ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह करवाया था, हमने आपको दर्शन करवाए थे, बलराम जी के भी दर्शन करवाए थे। बलराम जी ने वहां पर प्रलंबासुर नामक असुर का वध किया था। आज हम आपको बहुत ही सुंदर जगह ले जा रहे हैं, बंसीवट, जिस वट वृक्ष के ऊपर बैठकर कृष्ण जी ने बांसुरी वादन किया था। जब कृष्ण जी गाय चराते थे और जब गाय चर लेती थी, जाने का समय हो जाता था, तो कृष्ण जी वृक्ष के ऊपर बैठ के बंसी बजाते थे, ताकि एक ही जगह आकर सभी गाय इकट्ठी हो जाएं, एकत्र हो जाएं। यमुना किनारे बहुत ही सुंदर स्थान है, यमुना पहले यहीं से होकर बहती थी, अब ग्लोबल वार्मिंग कह सकते हैं उसके कारण थोड़ी सी दूर हो गई है, ज्यादा दूर अभी भी नहीं है। तो और आज भी इस वृक्ष की टहनियों में डाल पे कान लगाओ तो आज भी बंसी और मृदंग की ध्वनि सुनाई देती है। तो हम सब लोग दर्शन करेंगे। कहते हैं, वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। तो ये वही बंसी बट का वृक्ष है जिसके ऊपर बैठकर कृष्ण जी ने बंसी बजाई थी और बहुत ही मधुर ध्वनि आती है यदि ध्यान से कान लगाएं तो। हम तो हम दर्शन करते हैं, बोल बांके बिहारी लाल की जय। वृंदावन से लगभग 25 किलोमीटर दूरी पर यह स्थान है बंसीवट। हम यहाँ के आज दर्शन करेंगे और आपको भी कराएंगे, आप भी बंसी की मधुर ध्वनि सुनना। यहाँ पर ये ठाकुर जी का एक मंदिर भी बना हुआ है, कृष्ण जी बंसी बजा रहे हैं। और यहाँ के दर्शन करने के बाद अब हम उस बंसी बट वृक्ष के भी दर्शन करेंगे, जहाँ पर आज भी मधुर मुरली की ध्वनि यदि हम ध्यान से कान लगाएं तो इस वृक्ष की डालों से, टहनियों में यदि हम ध्यान से कान लगाते हैं तो बहुत ही मधुर मुरली की ध्वनि हमको भी सुनाई देती है, मृदंग और मुरली की ध्वनि सुनाई देती है। यही वो वट वृक्ष है जिसके ऊपर बैठकर कृष्ण जी ने बंसी वादन किया था। आप सभी लोग इस वृक्ष के दर्शन करें। इनकी इसके तने पर और डालों पर कान लगा के सुने बहुत ध्यान से, तो बहुत ही मधुर मुरली और मृदंग की ध्वनि सुनाई देती है। राधे राधे। अब हम आ गए हैं बंसीवट पर। इसी वृक्ष पर हमें कृष्ण जी ने बंसी बजाई थी, अब हम भी कान लगा के सुनेंगे और बहुत मधुर ध्वनि आती है इसमें से। बहुत हल्की हल्की झंझनाहट मृदंग ध्वनि जैसी आवाज आती है, बहुत ही रमणीक स्थल है। बिल्कुल शांत वातावरण है यहाँ का, शहर के शोर शराबे से दूर, और राधा कृष्ण की विवाह स्थली भांडीर वन के बिल्कुल पास, लता पताओं से घिरा हुआ यह स्थान है। आप लोग भी दर्शन जरूर करिएगा एक बार आकर। ब्रज में बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहाँ के दर्शन अभी आपने नहीं किए होंगे, या हो सकता है बहुतों ने किए भी हों। ब्रज 84 कोस में चार गांव निज धाम, वृंदावन अरु मधुपुरी बरसान आनंद गांव। ब्रज का प्रत्येक स्थल, ब्रज का प्रत्येक कण श्री राधा कृष्ण की लीलाओं का साक्षी है। और ऐसे बहुत सारे स्थान है जहां पे ठाकुर जी ने कोई ना कोई लीला करी है। और ये जो वृक्ष हैं, कदंब के, तमाल के, वट के, कोई साधारण वृक्ष नहीं है, ये भी ऋषि मुनियों के, देवताओं के अवतार ही हैं। और इन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की है कि हे प्रभु, हम भी आपका स्पर्श पाएं, तब ये ब्रज धाम में कोई वृक्ष बनकर बैठा है, कोई पर्वत बनकर बैठा है। तो ब्रज की जो लीला है बहुत ही अपरंपार है। या ब्रज मंडल के कण कण में
है बसी तेरी ठकुराई, कालिंदी की लहर लहर ने तेरी महिमा गाई, पुलकित होए तेरो जस गावे श्री गोवर्धन गिर राई, ले ले नाम तेरो मुरली पे नाचे कुंवर कन्हाई। तो राधा जी की ऐसी महिमाएं की ब्रज मंडल के कण कण में इन्हीं का नाम है, और कृष्ण जी की बंसी भी राधा जी के लिए ही बसती है। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि अन्य भक्त भी ठाकुर जी की इन लीलाओं का आनंद लें। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ठाकुर जी की कथा अनंत है, लीला अनंत है। हम प्रतिदिन प्रयास रहता है कि नित्य एक नई वीडियो लाएं या ठाकुर जी की लीला मैं आपको सुनाऊं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और औरों को भी सब्सक्राइब करवाएं। बोल बांके बिहारी लाल की जय, कुंज बिहारी श्री हरदास, जय जय श्री राधे श्याम।